नमस्कार दोस्तों, क्या आप मीट खाते हैं? अगर खाते हैं तो आप स्वयं ही छोड़ दोगे ये वीडियो देखने के बाद। अगर नहीं भी छोड़ते तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि आपको मैं मना करने आया हूँ। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है और क्या नहीं है। चलो, बहुत सारे लोगों ने ना मुझसे सालों बैठ कर, 10 साल बैठ कर बहस किया अंडर रिलीजियस टेक्स्ट कि हमारे रिलीजन में ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, फिर साइंटिफिक लॉजिक दे देंगे कि हमारे जो कीले वाले दांत हैं चार, ये इसलिए बनाए हैं भगवान ने कि हम ऐसे है ना जानवरों को खा सकें। तो पहली सेंस तो सबसे पहले आज यही लगा लेना, क्या आप कुत्ते बिल्ली की तरह भाग भाग के, शेर की तरह भाग भाग कर ऐसे ऐसे करके किसी को काट लेते हो? काट के ऐसे दबा के रखते हो, मान लो कि बिल्ली ने कबूतर पकड़ लिया और उसे पंख पंख उखाड़े और खा गई, आप खा लेते हो क्या ऐसे? खाया कभी आपने कच्चा मीट इस टाइप से? ठीक है, तो कच्चा मीट तो पहली बात जो हमारी स्टमक लाइंस है ये पचा ही नहीं सकती, और अगर पचाने बैठ भी गई तो मौत का खतरा हो जाएगा सबसे बड़ी बात, आपने कभी सोचा है? लेकिन अगर मैं इसके विपरीत बताऊं आपको, जितने भी फल हैं आप सिर्फ धोकर है ना, बैक्टीरिया ताकि हट जाए उसके ऊपर से, पेस्ट हट जाए, आप खा सकते हो कच्चा। सब्जियां आप कच्ची खा सकते हो, लीव्स आप कच्ची खा सकते हो। तो जो ह्यूमन नेचर है ना, हम एप्स की प्रजाति से आए हैं तो हम भी एनिमल, लेकिन हम एनिमल वैसे एनिमल नहीं है, कार्निवोर, उसके मांस भक्षण करना हमारा वो है। ठीक है, वो ठीक है, हमें मिला है एक वरदान मिला है कि हम इन केस जरूरत पड़े हम कर सकते हैं। मान लो कि हम ऐसे रीजन में रहते हैं वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जीवन चलाना है, जीवन चलाने के लिए किसी जीवन को अपनाना पड़ेगा, है ना, जीवन से ही जीवन चलता है। ऐसा तो नहीं मैं पत्थर खा के जिंदा रहूंगा, निर्जीव वस्तु तो पचकर जीवन बनेगी नहीं, वहां पर तो एक बार आपको साइंस समझ में आती है। ठीक है, लेकिन उसको फिर भी प्रोसेस करना पड़ता है ना, आप मीट को प्रोसेस करते हो, उबालते हो या समथिंग, जैसे भी बनाते हो तभी खा पाते हो। बट आपने कभी ये ढंग से नहीं सोचा कि पेड़ और ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये डिफरेंट हैं। अब बहुत सारे लोग ना धार्मिक उसमें अंडर में टेक्स्ट में है ना, ऐसे भिंडी बकरे की थ्योरी, भिंडी बकरे की थ्योरी सुनी है आपने कि भिंडी वर्सेस बकरा सेम होता है क्या जान में? ठीक है, जान तो पेड़ में भी है उसमें भी है, लेकिन आपने इतनी सेंस नहीं लगाई कि पेड़ की आंखें हैं, नहीं है, दांत हैं, नहीं है, हंस रहा है वो, नहीं, भाग रहा है, नहीं। पेड़ जब मान लो कि मैंने अगर उखाड़ के रख भी दिया कि सड़ने के बाद उसमें से बदबू आती है इतनी, लेकिन अगर एक जानवर मरता है, एक चूहा भी मर जाए ना आपके घर में, तो कैसे है ना, कितनी बुरी बदबू हो जाती है। अगर आप उस बदबू को ऐसे सूंघ लो ना पास से, तो मौत तक हो सकती है। तो बदबू इतनी घातक होती है और ये मांस में से ही उड़ती है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो एनिमल्स से आते हैं, हमने डेयरी प्रोडक्ट्स इसलिए अपनाए कि हम कम से कम ना मारते नहीं है, मारना यानी कि हमने जानवर को नहीं मारा, दूध ले लिया, एग्स ले लिया, है ना, जो अभी तक छोटा मतलब एक जीवन तो है बट वो चलने फिरने वाला जीवन नहीं हुआ, तो हमने इसलिए अपनाया था उसको, क्योंकि हमें फैट के कॉम्पोनेंट्स तो चाहिए होते हैं शरीर के अंदर। अब आपने कभी ये सोचा कि अगर आप जाते हो, मैंने बोला कि आप बकरे को ऐसे काट लो, काट के आप मार दोगे उसको? नहीं, आपका सर फाड़ देगा वो एक सेकंड में। ठीक है, आप लेकर जाते हो कोई भाला, कोई तलवार, कोई चक्कू मारने के लिए, ठीक है, स्लॉटर करते हो, फिर झटके का कॉन्सेप्ट, हलाल का कॉन्सेप्ट कि हम तड़पा के मार रहे हैं, हम तड़पा के नहीं मार रहे, अल्टीमेटली तो आपने मार तो दिया ही ना एक जानवर को। पाप पुण्य की कोई थ्योरी नहीं है, पाप पुण्य क्या सिर्फ इसलिए थ्योरी बनाई थी ताकि किसी जीव की रक्षा की जा सके जो हमारे इर्द गिर्द रहता है। मान लो कि हिपोक्रेसी का एक लेवल होता है पाखंडवाद का भी, ध्यान रखना आप, बहुत सारे लोग पाखंडी भी होते हैं। ठीक है, कुत्ते पाल लेंगे, ठीक है, कुत्ते पालते हैं तब तो प्यार करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुत्तों को मारते भी हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है, मान लो कि आप पूजा करते हो गणेश जी की, चूहे को प्रतीक मानते हो, साथ में घर में पॉइजन डाल देते हो, उन चूहों को भी मार देते हो, है ना, तो हिपोक्रेसी तो कहीं ना कहीं है, इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक, अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, है ना, बलि देना, है ना, सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं, और उसको जस्टिफाइड भी कर देते हैं हम, है ना, कोई पहले के लोग लिख गए कि सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, एनिमल का सेक्रीफाइस करना है, अरे वो एनिमल का सेक्रीफाइस असली एनिमल का सेक्रीफाइस नहीं है, आपके एनिमल का सेक्रीफाइस करना है, देवा, ठीक है, जिससे बन गया आगे, रूट वर्ड है संस्कृत का, ध्यान रखना, तो इससे डेविल बना, डिवाइन बना, दोनों नेचर हमारे अंदर हैं, इस ह्यूमन के अंदर दोनों नेचर हैं, सबसे पहले डेविल बैठा है, ह्यूमन बैठा है, डिवाइन बैठा है। तो कह रहे हैं सबसे पहले डेविल को काट दो, ठीक है, लोगों ने क्या किया, जानवर को काटना चालू कर दिया, गलत समझ कर मीनिंग, ठीक है, फिर क्या, काट के खा भी आते हैं, मन्नतों के नाम पर, त्योहारों के नाम पर, किसी भी नाम पर खा भी जाते हैं, ठीक है, मार भी डाला, अब क्या है ये? तो
ये बोला गया कि आप डिवाइन नेचर पे काम करो, जीव है, जीव आत्माएं छोड़ दो, उनको विचरने दो, उनका भी जीवन है, उनको रहने दो। जब तक आपके जीवन पर नौबत ना आए तब तक आप उनको रहने दोगे, ठीक है? तो आप ये मतलब समझ जाना। आप देख रहे हो कैसे घुमा फिरा के लोगों ने क्या कूड़ा कबाड़ा बना दिया सारे अर्थों का। तो सेक्रीफाइस इस एनिमल का करना है जो हमारी प्रवृत्ति है। अब एक चीज बताओ, जब आप मारने जाते हो बकरे को, तो बकरा भागता है या रुका रहता है वहां पर? भिंडी को मारने जाते हो तो भिंडी रुकी रहती है, भाग जाता है? सोच के देखो, ये चलने वाले जीव हैं, चलने वाले जीव समझते हो, इनके अंदर ब्लड है, इनके अंदर इमोशन बहुत जबरदस्त है, ठीक है? हम भी कहीं ना कहीं वहीं से उठकर आए हैं। वो एवोल्यूशन जो हम बोलते हैं ना कहीं घूम फिर के, इतने करोड़ों साल में हमारा विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं घूम कर तो आए हैं, ठीक है? लेकिन पेड़ से जस्टिफिकेशन नहीं हुआ आज तक, इस चीज को ध्यान रखना। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, शुरू में आदमी ने वो फल ही खाना सीखा, लीव्स खानी सीखी, ठीक है, घास खानी सीखी उस टाइम पर। उसके बाद जब वो आग इजाद कर गया था ना, आग इजाद करने के बाद ये धीरे धीरे ये मास भक्षण के कॉन्सेप्ट आए हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊं आपको, ध्यान रखना, जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं, मांस भक्षी, वो सबसे तेज दौड़ते हैं इस धरती के ऊपर। ध्यान रखना ये बात, सबसे तेज दौड़ते हैं चीता, उसमें सबसे तेज होता है, और सबके जबाड़े ना ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, समझ लो ऐसे। आपने देखा और सब ना कार्निवोरस एनिमल पानी भी पीता था ऐसे पीते हैं, जीभ से, है ना, ऐसे नहीं पीता, हमारी तरह घूंट भर के। जितने भी हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी, उनके तो ये दांत नुकीले वाले भी नहीं होते, आपने देखा होगा, जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, और उनके जबाड़े ना ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 नहीं चलते, ऐसे नहीं चल के ऐसे ऐसे चलते हैं। सिर्फ ये एक जानवर ऐसा बैठा हुआ है आपके सामने जिसका जबाड़ा ऐसे भी चलता है और ऐसे भी चलता है ना, ऐसे भी और ऐसे भी। तो जरूरत पड़ने पे हम चलाते हैं, ठीक है, तो ग्राइंड करके हम उस चीज़ को खा लेते हैं। तो आपको मैंने कितनी बड़ी बात बताई है कि रॉ मीट तो सबसे पहले आपके लिए बना ही नहीं है, मीट को प्रोसेस करना पड़ता है, इवन अंडे को भी प्रोसेस करना पड़ता है, इवन दूध को भी प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे नॉन वेज के फैक्टर हैं। और चीज़ बताऊँ आपको मैं, सबसे पहले अगर जूस पियोगे ना तो 20 मिनट में पच जाएगा, आप पी कर देख लेना। अगर उसके ऊपर फल जाते हो, फल सबसे ताज़ी चीज़ है, ठीक है, अगर मैंने फल तोड़ा तो उससे ताज़ा कुछ नहीं हो सकता। जितनी ताज़ा चीज़ आप खाओगे ना उतनी लंबी उम्र होती है आपकी, ये भी ध्यान रखना, जितनी ताज़ा होगी। इसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाते जाओगे ना, हार्ड करते जाओगे, इसके पास सब्जी आ गई, सब्जी थोड़ा और टाइम लेंगी, 1-1 घंटे तक ले जाएंगी। दूध हो गया, 1 से 1.5 घंटा पचने में ले जाएगा, ठीक। इसके ऊपर पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, हार्ड हो गई, ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल होता है ना, सॉलिड मटेरियल को बहुत, क्योंकि ये जो ध्यान रखना, ये जो माउथ है ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होता है, ये पूरा पूरा एक फूड पाइप है। तो यहाँ से खाते हो आप, ये ईसोफेगस हो गया, ये ईसोफेगस है हमारा, ये थ्रोट है ना, फिर ये स्टमक है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर लोअर इंटेस्टाइन है, नीचे एनस है ना, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, जहाँ से मल त्याग करते हैं हम। हाँ, आपने खाया तो फल बहुत जल्दी ना ऐसे करते 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 4-5-6 घंटे में नीचे तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन अब मैं हार्डर उस पर आ जाता हूँ, मीट, आपने मीट खाया, मान लो इसमें हार्ड मीट भी होते हैं, सॉफ्ट मीट भी होते हैं, सुअर का मीट जो होता है वो हार्ड होता है, गाय का सॉफ्ट बोल देते हैं, चिकन को सॉफ्ट बोल देते हैं, फिश को भी सॉफ्ट बोल देते हैं, लेकिन उनमें भी फैटी वाले भी होते हैं कि उनका लीवर खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो, ब्रेन खा रहे हो। तो उस हिसाब से वो 2-2 दिन तक भी ले सकता है, पड़ा रहेगा, 3-3 दिन भी ले सकता है। तो कोई भी मीट पूरे तरीके से, मतलब वो पचना तो चालू हो जाएगा 4-5-6 घंटे 8 घंटे में, उसके बाद नीचे उतरते उतरते, है ना, ये 24 फुट का पाइप है ये पूरा पूरा, ध्यान रखना 24 फुट लंबा, 24 फीट बोल दो, तो ये धीरे धीरे उतरते उतरते 40 से 72 घंटे तक ले जाता है। अब एक चीज बताओ, जब लाश पड़ी होगी अंदर तो सड़ेगी ना, जब सड़ेगी तो बैक्टीरिया पनपेगा, तो जब बैक्टीरिया पनपेगा, अब सड़ रही है एक चीज, तो बदबू भी आएगी, आपकी सांसों में से भी उड़ेगी, मुंह से भी उड़ेगी। तो ज्यादातर आपने देखा होगा, आप नॉनवेज खाते तो उस वक्त आपके, है ना, बर्पिंग होती है, तो उसमें बदबू आती है कंटिन्यूअसली। उसके बाद जब सड़ी रहती है और आप कंटिन्यूस, यानी कि आप हैबिचुअल हो नॉनवेज खाने के, तो आपको कोलन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लेडर के इश्यूज, उसके अंदर स्टोन हो गया, गॉल स्टोन हो गया, ठीक है, और कोई फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग अगर नॉन वेज ईटर को होती है तो बहुत ज़बरदस्त हाइपर एसिडिटी होती है, ठीक। अब जानवर क्या होता है, जानवर का तो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम यानी स्टमक एकदम सिंपल होती है ना, उसने घटक लिया और क्या होता है, हमसे भी 10-20% ऊपर, है ना, टाइम्स ऊपर एसिडिटिक होती है उनकी स्टमक, तो वो फटाफट पचा देती है।
हमारी नहीं होती, हमारा तो सलाइवा हेल्प करता है सब एसिडिटिक प्रक्रिया में, डाइजेशन करने में, तो हमें बहुत अच्छे से चबाना पड़ता है। चबाने से भी पहले हमें और भी प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए हम कच्चे फल भी नहीं खाते अभी, है ना। कच्चे फल तो खा लेते हैं, कच्ची सब्जियां नहीं खाते हम। कच्ची सब्जियों को हम पकाते हैं ताकि और भी ईजी हो जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स हम अब्जॉर्व कर पाएँ अच्छे से। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीपली समझो, किसी की ज़रूरत नहीं है स्कॉलर की, कि कोई आके बोल रहा है कि प्रेग्नेंट जानवर का बच्चा छोड़ दो उसको अभी, क्योंकि वो माँ है। अल्टीमेटली तो आप मारोगे ना उसको, अल्टीमेटली मारोगे उसको, ठीक है। तो बाल नाखून की तरह होते हैं, जीरो लेवल का पेन होता है। अब मैं आपका हाथ काट दूँ वापस उग जाएगा, जानवर की लात काट दूँ उग जाएगी वापस, नहीं उगेगी। बट पेड़ की एक टहनी तोड़ दोगे तो कहीं और से आना चालू हो जाएगी, पत्ता तोड़ दोगे तो फिर दोबारा आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं बाल नखून की तरह, नखून उखड़ भी गया ना दोबारा आना चालू हो जाएगा, है ना। इनमें भी जीरो लेवल का पेन होता है ना, जब कटते हैं तो इनमें होता ही नहीं है पेन, बट कहीं ना कहीं जिंदा तो है ना, कहीं ना कहीं इनका जो रूट है वो तो जिंदा है ना, वहां से उग रहे हैं। तो रूट जिंदा है और ऊपर वो, उसको इतना इमोशन हासिल नहीं हुआ, वो अपने आप को नहीं जानता मैं कहाँ फैल रहा हूँ, वो दौड़ता भी नहीं है। आप लेके मारने भागते तो दौड़ता नहीं है, पेड़ वहीं खड़ा रहता है। अगर ये बात पसंद आ रही हो ना आपको, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना सबके साथ में। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इधर। देखो सेल्स के कॉन्सेप्ट, हर सेल के पास ना अपना ब्रेन होता है। मान लो कि आप किसी को मारने जा रहे हो, मान लो आपको कोई मारने आ रहा है, तो आप भागते हो ना, आपके अंदर एक डर पहले से इंट्यूशन आने लगती है, तो वो जितना भी डर है वो आपके सेल्स में रजिस्टर होने लगता है। उसी प्रकार जब आप एक एनिमल को मारने जा रहे होते हो ना, तो वो भी उसी तरीके से इंट्यूशन आ जाती है उसको कि मारने आ रहा है, तो वो घबराहट में भागता है। फिर भी अगर आप पकड़ लेते हो तो वो जद्दोजहद करता है छूटने की, लड़ाई भी करता है। और आप भी अगर ऐसे पकड़े जाते हो तो लड़ते हो ना, जान बचानी होती है। तो ये जो चेतना है ना, ये सबके पास मौजूद होती है। अब ये जो सेल्स होते हैं, इसके पास दिमाग है, सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके पास। कैसे? अब बाप और माँ बच्चा पैदा करते हैं, है ना, वीर्य ट्रांसफर होता है, स्पर्म ट्रांसफर करता है बाप। लेकिन जो बच्चा है ना, माँ के पेट में प्रोसेस हुआ, लेकिन शक्ल किस पे चले जाती है? बाप के ऊपर। बाप ने तो प्रोसेस नहीं किया, फिर भी क्यों आया? क्योंकि सेल्स के पास इंफॉर्मेशन थी कि कद काठी ऐसी है, उसी तरीके से उसका ढांचा बनेगा शरीर का, है ना, जबकि माँ के पेट में हड्डी मांस बना है सब कुछ। फिर भी शक्ल का रंग वैसा चले जाता है, बालों का हेयर स्टाइल, नाक नक्शे आपने देखी होंगी, इतनी सारी चीजें मेरे बताने की क्या जरूरत है, आप समझ सकते हैं। हर सेल के पास इंफॉर्मेशन होती है, तो जानवर के सेल के पास भी इंफॉर्मेशन होती है। जिस वक्त आप मार रहे हो, उस वक्त डर और दर्द दोनों के दोनों उसके सेल्स में रजिस्टर हो जाते हैं। साथ में जो जानवर की प्रवृत्ति होती है, हिंसात्मक, है ना, हिंसा करने वाली। अब मुर्गी है, मुर्गी कीड़े खाते, कीड़ा गटक जाती है ना वो, और जब वो लड़ने आती है, आपने देखा कैसे लड़ती है वो, देखना उसको। बकरी से लड़के देख लेना, सर फाड़ देती है वो खिंचाकर, आपने देखा होगा कि भेड़ बकरी कैसे लड़ती हैं, खिंचाकर सर मारती हैं बहुत तेज आपस में। तो ये जो प्रवृत्ति है ना सेल्स की, उनके इंफॉर्मेशन पहले से रजिस्टर्ड है, तो वो सेल्स आप कंज्यूम करते हो। अब क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन इंसान की और वो वाली इंफॉर्मेशन साथ में ऐड हो गई इस मैकेनिज्म के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो हिंसक प्रवृत्ति है वो पहले से तो है ही, वो और भी ज्यादा ऊपर हो जाएगी, जानवर की तरह गुस्सा आएगा आपको, जानवर बन जाते हो आप धीरे धीरे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेस इंफॉर्मेटिव आइटम खाना पसंद करते हैं। सेब है, आप उसको, वो खुश है नहीं खुश उसको खुद ही नहीं पता, अब हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो हमें कोई इमोशन ऐड नहीं कर रहा है। आपको एक चीज़ समझ लो, वो इमोशन ऐड नहीं कर रहा, उसके बाद बहुत ही जीरो लेवल का इमोशन होता है, तो हमारे अंदर कुछ ऐड नहीं होता, हमारे पास अपना इमोशन रहता है। लेकिन जानवर के इमोशन और अलग अलग जानवरों के, फिश के अलग इमोशंस हैं वो कंज्यूम कर लिए, बकरी के अलग हैं, किसी के अलग हैं, कोई पक्षी खा लिया आपने उसके अलग हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग भी हैं, आपने देखा ही होगा, है ना। तो वो उस टाइप का सारा जहन बन जाता है हमारा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि सेल्स आप वो कंज्यूम करें जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो इस मैकेनिज्म को चलाएगा ढंग से। आपको मैं एक बात और बता दूं, 10 साल से लोग बहस तो कर रहे हैं मेरे से इस बारे में, ठीक है, बट उनमें से ऐसा नहीं है कि सब उलझ के बैठ जाते हैं, पॉइंट समझते हैं समझने वाले। जिसको नहीं समझना वो तो समझेगा नहीं कुछ भी, है ना, उसको तो अपोज करना है, वो तो कहेगा भाई मेरी लाइफ है, मेरा जीना है, ठीक है, आप कैसे भी जीना है वो आप जियो, ठीक है। फिर भी हम ये तो अंडरस्टैंड करते हैं ना कि भाई जहर नहीं पीना, पॉइजन नहीं पीना, उतनी चेतना तो होती है ना हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग ही है, मैं जहर भी पी लूँगा, ठीक है, आपको मेरी लाइफ से मतलब नहीं है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो समझते हैं हम। इसमें अंग्रेज सल्यूट तक मार गए हैं मुझे, अंग्रेज यानी कि जो मीट ईटर वाले हैं, जो मीट ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं डेली बेसिस पर, हैवी यूज़र्स हैं और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है, तो जो सिखाया है वो चला आ रहा है ना, खुद नहीं डिसाइड किया था।
खुद डिसीजन लेते तो बात अलग थी, समझ कर पहले से। लेकिन क्या होता है, आप बच्चे को सिखा दोगे तो वैसे ही चलेगा ना, तो उसके लिए तो कोई पाप पुण्य वाली थ्योरी होती नहीं है उस टाइम पर। तो मैंने उनको जब ये सब फंडे बताए ना, और जितने ये सब फैक्ट्स बताए, तो वो सब अग्री करके गए हैं। तो आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुनिया में ना अब शाकाहार को अपनाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग वो हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, और जिनको अंडरस्टैंड ही नहीं करना है, ठीक है, ब्लॉक्ड बने रहना है ना। हम सिविलाइज्ड बोलते हैं अपने आप को, अनसिविलाइज से सिविलाइज हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अनसिविलाइज मैनर भी पकड़ के बैठे हैं, है ना, वो जानवर वाली प्रवृत्ति भी, तो उसको हम त्यागने को भी वो नहीं है। फिर हम कहते हैं सृष्टि को बैलेंस कौन करेगा। अरे आप कौन होते हो सृष्टि को बैलेंस करने वाले? मैं बैलेंस करता हूँ क्या किसी को? मैं एक पक्षी पैदा नहीं कर सकता, सृष्टि बन पाती है इनको, सृष्टि उसी हिसाब से पेड़ पौधे भी उगाती है। ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो सृष्टि ही बैलेंस कर देती है सारे अपने आप ही, जितने भी जानवर हैं ना खुद ही बैलेंस कर लेते हैं खा वा कर इन सबको, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि मैं सृष्टि को मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे को चिकन की जो प्रजाति पूरी अभिशाप बना के रख दी लोगों ने, चिकन पैदा होगा तो बेचारा कटेगा, अंडे देता रहेगा पूरे साल, फिर लास्ट में आके कटेगा। तो ये क्या ज़िंदगी बना दी हमने कुछ जानवरों की, क्योंकि हम उनको ना इजिली ग्रैब कर सकते हैं, शेर का शिकार नहीं करते, फिर वहाँ पर तर्क दे देंगे उसका मीट टेस्टी नहीं है, इसका मीट टेस्टी है। ये सब मैं क्या बोलूँ, सिली टॉक्स होती हैं, है ना, एब्सर्ड टॉक्स हैं मेरे हिसाब से। तो ठीक, तो इन सब में टर्म्स में हम इतनी सारी लॉजिक्स देते रहते हैं, तो बैलेंस करने की कोशिश मत करो। अगर बैलेंस करते हो ना, तो समझ लेना जब एक मान लो कि एक लैंड पड़ी हुई है ना, और उसमें एक पेड़ भी नहीं है, तो सिस्टम में तो इतनी ताकत है, वहाँ पर पानी वर्षा होती है और पेड़ उगना चालू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, आपने बीज नहीं बोए थे वहाँ, बट ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ घास पनपने चालू हो जाते हैं ना। तो आप थोड़ा टाइम छोड़ दो, खुद बैलेंस मत करो, आपको भी बैलेंस कर देगी। आपने देखा होगा अर्थक्वेक लाकर सब बैलेंस कर देती है। मेरी बात आपको समझ में जरूर आ रही होगी यहाँ पर। धन्यवाद दोस्तों।